Shaman, you're watching my Shaman Vlogs. I hope you all are well. तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ नानी हाउस, तो अब हम अपना गार्डन देखने चलेंगे, तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। फ्रेंड्स ये मेरी सिस्टर एंजल दीदी, हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए हैं गार्डन में, तो ये देखो कितने क्यूट लुक है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो फ्रेंड्स अब आपको ये जो सारे प्लांट्स है उसके बारे में बताएंगे एंजल दीदी। तो फ्रेंड आपको बताती हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ब्रिंजल्स एंड गाइस तुलसी है, ग्रीन तुलसी, इसमें रेड तुलसी भी आती है। तो फ्रेंड्स ये है माल्टा, जिसकी सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से रस्सी टाइप लगा रखा है गाइस। तो फ्रेंड्स ये है बिटर गोर्ड। फ्रेंड्स ये सारी जितनी भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सारी बिटर गोर्ड की वेल हैं। हम इधर बैठ के एंजॉय भी करते हैं, लाइक हम टी ले लेते हैं, फ्रूट्स कट करके खाते हैं और बहुत मजे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप जानते ही हो आजकल का कैसा टाइम है, आजकल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स अपने घर पर प्लांट्स लगाएं। जैसे हमने स्टार्ट किया एक छोटा सा स्टेप ले गार्डनिंग के थ्रू, तो फ्रेंड्स आप अपने घर पर एक छोटा सा ही गार्डन बनाएं। और अगर फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट्स फर्स्ट में जब आप स्टार्ट करते हो तो शायद ना भी ग्रो करें, पर फिर भी फ्रेंड्स आप उदास मत होना और फिर से ट्राई करना। आई एम श्योर कि वो अगर आप ट्राई करते रहोगे तो वो बहुत ही सुंदर सा एक दिन जब आपका गार्डन बनेगा तब आपको खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है, जैसे हमारे मम्मा पापा हमें केयर करते हैं, हमारी हमें लव देते हैं, तो वैसे ही ना हमें अपने प्लांट्स को भी प्यार देना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। और आपको पता है जब मैंने शुरू में प्लांट्स लगवाए थे ना, तो जब मैं सो के उठती थी मैं उन्हें विश करती थी लाइक गुड मॉर्निंग, और फ्रेंड्स मैं उनसे बातें करती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ। और फ्रेंड्स आपको पता है कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें भी जान होती है, मतलब फ्रेंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको केयर की जरूरत होती है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बहुत सारे केयर करो, अगर आप खुद उसकी उनकी केयर करोगे तो वो भी आपको ढेर सारे मतलब गिफ्ट देंगे। लाइक अगर आप वेजिटेबल के प्लांट्स लगाते हो वो आपको ढेर सारे वेजिटेबल्स देंगे, फ्लावर्स की तो वो ढेर सारे आपको फ्लावर्स देंगे, और आपको हमें ऑक्सीजन भी देते हैं क्योंकि इस टाइम पे तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अभी सनसेट हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और सामने ट्रीज भी हैं। फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो, आप यहाँ से देख सकते हो कितना प्यारा लगता है हमारा यहाँ से व्यू, बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स हमें बहुत मजा आता है, हाँ अपना व्यू पूरा एंजॉय। इट्स अ गेम टाइम। तो फ्रेंड्स अभी मैं एंजल दीदी के साथ खेल रही हूँ नंबर बैलेंसिंग गेम। पर एंजल दीदी बताओ कि गेम खेलनी कैसे? तो बाबी हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, पहले तो हमारे पास दो कलर्स की यहाँ पे टोकन्स हैं, लाइक हमारे पास फर्स्ट है पिंक एंड मेरा है कलर है और मेरा है पर्पल। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नंबर्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और इसमें बहुत सारे स्टेजेस बने हुए हैं और हमारे पास है वन डाइस। तो हम क्या करेंगे, रोल करेंगे डाइस, पहले हम करेंगे स्टोन पेपर सीजर, उसके बाद हम जो विनर होगा वो डाइस को रोल करेगा और फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी हमारे पास नंबर आएगा लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रोल किया और मेरा आया यहाँ पे 5, तो 5 आया है फ्रेंड्स मेरा, तो मतलब मैं यहाँ पे मेरे नंबर्स हैं बहुत सारे तो यहाँ पे है 5, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ऐसे ही करते करते हम खेलते जाएंगे। यहाँ पे 4 साइड, जैसे कि 1 to 5 नंबर्स है ना, तो 4 टाइम्स ये नंबर्स लिखे हुए हैं। लाइक जैसे एंजल दीदी का 5 आया तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, 4 साइड्स। फिर 4 के बाद अगर किसी का और का 5 आया, लाइक अगर हम दोनों के 4 हो गए, फिर से मेरा अगर 5 आया 5th टाइम, तो फिर मैं नहीं लग पाऊंगी, फिर मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा, फिर मैं आउट।
गलती से गिर गया, अगर गिर गया यूं करके तो फिर वो आउट हो जाएगा। ओके, तो दूसरा वाला विनर हो जाएगा। तो चलो गेम स्टार्ट करें जल्दी से। बिल्कुल, तो चलो फ्रेंड्स जल्दी से हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो रॉक पेपर करते हैं या रॉक पेपर सिजर्स शूट। देखते मेरा कौन सा नंबर आता है। मेरा है फ्रेंड्स 5। ये देखो, तो अब 5 है, तो मैं रखूंगी यहाँ पे। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब है मेरी टर्न। ये तो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा आया है 4। ओके, तो यहाँ पे 4 लिखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। फ्रेंड्स ये लक की बात है, पता नहीं किसका भी किसी टाइम पर भी गिर सकता है। और तो फ्रेंड्स अगर गलती से रखते रखते किसी को टच हो गया और वो गिर गया पूरा, तो फिर वो भी हार जाएगा। ओके, fingers crossed, 3.